Hello students, welcome in RCI Education of Online Class. Dear students, we discuss about the atomic models. ये अपना second model है, Rutherford atomic model. जिसमें अपन बात करेंगे alpha scattering experiment. इसकी बात करेंगे alpha scattering experiment. सबसे पहले ये diagram है, इसकी working समझेंगे, फिर इसका observation और conclusion. मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके इस वीडियो में दो दिन के जो नोट्स है उनका पूरा कंप्लीट मैटर कवर होगा, तो ये वीडियो आपको दो दिन तक मिलेगा. इसलिए दो दिन के नोट्स के लिए इस वीडियो को आप टू टाइम देखिए, समझिए, तब जाके आपको पूरी चीजें क्लियर होगी. क्योंकि सारी चीजें आपकी क्या है, कोई लेट है. स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स की. इसकी बात करते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स की. अल्फा पार्टिकल सोर्स किससे बना होता है? आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल से बना होता है, जो अल्फा भी देता है, बीटा भी देता है, गामा भी देता है. बट यहाँ पर अपन कौन सा चाहिए? जो अल्फा पार्टिकल अपन को देता हो, अल्फा रेज अपन को देता हो, जिसको अपन इस फॉर्म में, आपको पता हो अल्फा पार्टिकल्स को अपन किसमें 2H4, इसमें हीलियम एटम जो होता है वो क्या होता है? आपका अल्फा पार्टिकल होता है. तो ये सोर्स अपन को क्या देगा? अल्फा पार्टिकल्स. बहुत ही स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा रेज यहां से क्या करेगी? मूव होगी. उनको कंट्रोल करने के लिए अपन ने यहां पर क्या लगा रखी है? लेड शील्ड, मतलब एक पर्दा सा लगा रखा है, आपका स्क्रीन लगा रखी है, जो इसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, एक सीधी डायरेक्शन में जाने के लिए इसको कंट्रोल करेंगे. उसके बाद ये आपकी जो बम्बार्डमेंट होती है इन अल्फा पार्टिकल्स की, जो बम्बार्डमेंट होती है वो कहां पे होगी? गोल्ड फॉइल पे. कहां पे होगी बेटा? गोल्ड फॉइल पे. फॉइल आपने देखा हुआ, आप यूज करते हो लंच बॉक्स में, यूज करते हो अल्फा पार्टिकल्स. तो गोल्ड फॉइल बिल्कुल बारीक सी पतली परत है आपकी, बिल्कुल बारीक सी पतली परत है, जिस पर किसकी बम्बार्डमेंट होती है? आपकी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट होती है. बम्बार्डमेंट होने के बाद में इसमें क्या हो जाती है? स्केटरिंग. स्केटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, डिवाइड हो जाना, जिसको अपन किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप से. किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप से. ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर अपन ने क्या लगा रखी है? ZNS स्क्रीन बार बार आ रही है आपकी, जो अपन को स्पॉट जैसे नजर आते हैं, अपीयर होते हैं, क्या? अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर अपन इसको कह सकते हैं. ये क्या लगा रखी है अपने? फोटोग्राफिक. क्या लगा रखी है आपकी? फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पर किसकी स्क्रीन कवर हो रखी है? ZNS की स्क्रीन कवर हो रखी है, जो अपन को क्या ऑप्टेन करेगी? अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, मतलब अल्फा पार्टिकल को बताएगी किस डायरेक्शन में कहां जाना है. तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल आपके यहां पर इस पे स्ट्राइक होते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है? स्कैटरिंग, डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से इस स्क्रीन पर अपन को इस तरह के स्पॉट नजर आते हैं. इस तरह के स्पॉट नजर आते हैं. क्लियर? तो ये स्थिति आपकी इसकी वर्किंग है. क्लियर कि किस तरह से ये वर्क करता है? इस वर्किंग को अपन अब इसमें ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि अपन ने इस वर्किंग में क्या ऑब्जर्व किया. तो यहां पर अपने पास में टोटल 3 ऑब्जर्वेशन ओपन हो. कितने ऑब्जर्वेशन? 3 ऑब्जर्वेशन. देखिए, जितने अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलते हैं, जितने भी अल्फा पार्टिकल, उनमें से मोस्टली 99% बिल्कुल बिना किसी रिफ्लेक्शन के. आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, नीचे देखिए आप सर. इस डायग्राम में मैंने आपको एक पॉइंट लिख रखा है, बिना किसी रिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती है. तो अपने पास में ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आ गया. टोटल जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा रेज है, वो बिना किसी रिफ्लेक्शन के कितनी? लगभग 90% बिल्कुल सीधी निकल जाती है. कुछ
जो रेस्ट है सम अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है आपका डिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है बेटा डिफ्लेक्शन होता है कुछ एंगल्स है जिसको अपन ने थ्री पॉइंट ले रखा है, ये कुछ डिफ्लेक्शन होता है राइट। समझिए दोबारा, टोटल अल्फा पार्टिकल में से 99% अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव स्ट्रेट लाइन एंड सम अल्फा पार्टिकल्स हैविंग डिफ्लेक्शन विद सम एंगल्स, ये आपको बी पॉइंट नजर आ रहा है आपका ये वाला डिफ्लेक्शन क्लियर। और थर्ड, आउट ऑफ 20,000 में से आपका वन पार्टिकल, देखिए बेटा 20,000 में से वन पार्टिकल, आउट ऑफ 20,000 में से वन पार्टिकल्स आपका 180 डिग्री एंगल से क्या हो जाता है रिटर्न हो जाता है, 180 डिग्री एंगल से क्या हो जाता है आपका रिटर्न हो जाता है। दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशन क्लियर। लास्ट ऑब्जर्वेशन दोबारा समझो, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल में से वन पार्टिकल आपका ऐसा है बिल्कुल 180 डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से गया है उसी डायरेक्शन से वापस रिटर्न हो जाता है, जिसको अपन ने सी पॉइंट नाम दिया, ऑब्जर्वेशन ए, ऑब्जर्वेशन बी एंड ऑब्जर्वेशन सी, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपनी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्जर्वेशन अपन ने ए बी सी की फॉर्म में कर लिया है। अब आपका कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उस सब पार्टिकल में आपका एटम प्रेजेंट होगा, अपन ने गोल्ड फॉल ले रखा है, गोल्ड में भी क्या होते हैं आपके एटम, उसी बेस पे अपन ने यहां पे गोल्ड में ए बी सी थ्री ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए हैं 99% विदाउट डिफ्लेक्शन, उस पार्टिकल्स एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट होते हैं और आउट ऑफ 20,000 में से वन पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से रिटर्न हो जाता है। दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं किसकी, कंक्लूजन, इसकी बात करते हैं बेटा कंक्लूजन की, क्या कंक्लूजन अपन यहां पर ऑब्टेन करते हैं इन तीनों ऑब्जर्वेशन से। देखिए बेटा तीनों ऑब्जर्वेशन से आपके थ्री क्या होंगे, कंक्लूजन होंगे, तीनों ऑब्जर्वेशन से आपके थ्री कंक्लूजन ऑब्टेन होंगे, कैसे होंगे देखिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या है कि लगभग 99% लगभग 99% आपके जो पार्टिकल्स हैं वो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर काफी कुछ क्या है आपका स्पेस, काफी कुछ वैकेंट स्पेस है, जैन इन क्लियर, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन एटम। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसका कंक्लूजन क्या निकला आपका कि इस एटम में काफी कुछ स्पेस आपका वैकेंट प्रेजेंट है, खाली जगह है इसमें क्लियर। सेकेंड, सम डिफ्लेक्शन विद एंगल, कुछ डिफ्लेक्शन होता है, अब डिफ्लेक्शन कब होगा जब पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज आपको क्या होगा मिलेगा, सेम सेम चार्ज आपस में क्या होंगे जब मिलेंगे तब डिफ्लेक्शन होता है, अपन बात कर चुके थे 2He4 दैट इज द अल्फा पार्टिकल, हीलियम एटम क्या है आपका अल्फा पार्टिकल और क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्लियर। और जो जिससे ये आपका यहां पर स्ट्राइक हुई है उससे डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि अगर अपने पास में यहां से कोई रेज आ रही है और ये इस वाले पार्ट से अगर अपने पास में टच हुई है तो इसमें इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, मतलब उस पार्ट के कुछ
पार्ट से क्या हो रही है आपकी, वो टकरा रही है, स्ट्राइक हो रही है, तो वहां पे इस तरह का डिफ्लेक्शन ओपन हुआ है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा इसमें? पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बिटवीन ही क्या हो सकता है आपका, डिफ्लेक्शन हो सकता है। बात करते हैं आपकी थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 20,000 वन पार्टिकल रिटर्न इन रिवर्स डायरेक्शन बाय 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल से रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब यहां पर इन द सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव पार्ट इज प्रेजेंट। बात क्लियर हो गई, यहां पर पॉसिबिलिटी थी कि पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, बट थर्ड ऑब्जर्वेशन से अपना कंक्लूजन हो गया इन द सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव पार्ट इज प्रेजेंट। इसको आगे चल के अपन क्या नाम देंगे बेटा, न्यूक्लियस नाम। क्या नाम देंगे अपन उसको? न्यूक्लियस नाम देंगे। बात क्लियर है यहां तक? सेंटर में क्या है आपका, पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, इसको अपन क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस नाम देंगे। दैट मींस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की जो डिस्कवरी है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने अपन को क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। सेंटर में क्या है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अपने पास में देखो, वर्किंग होगी, ऑब्जर्वेशन हो गया और कंक्लूजन हो गया, सारी चीजें क्लियर है, वैकेंट स्पेस भी है, पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है या पॉसिबिलिटी थी। थर्ड वाले में क्लियर हो गया कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपका, पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। बात क्लियर है? आगे देखिए, अब इस न्यूक्लियस के रिगार्डिंग रदरफोर्ड ने इसको कहा न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। देखिए बेटा, अपने पास में इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में क्या निकल के आया, न्यूक्लियस। क्या निकल गया बेटा? न्यूक्लियस, राइट। इस न्यूक्लियस के बेस पे रदरफोर्ड ने कौन सा एटम का इसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, क्या कहा इसको, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। क्लियर? और इस न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, देखिए इधर, ये बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होंगे आपके पास में, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, जिसमें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? इसको रदरफोर्ड ने किससे, सोलर सेल से या सोलर सिस्टम से भी अपना सन जो आपका सन है उससे इसको कंपेयर किया। सन को मान लिया न्यूक्लियस और उसके चारों जो प्लेनेट प्रेजेंट होते हैं उसको मान लिया इलेक्ट्रॉन। सोलर सिस्टम से भी इसको कंपेयर किया। क्लियर? तो आपका ये था रदरफोर्ड का
एटॉमिक मॉडल जिसको अपन ने लास्ट में कहा रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, जिसकी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी क्या थी, न्यूक्लियस जो कहाँ प्रेजेंट है एटम के सेंटर में और उसके चारों ओर क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल विच एक्सप्लेन बाय अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट by the help of working observation and conclusion. Clear बेटा, I hope ये video आपको दो क्लासों में यूज में लेना है, आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही. Thank you students.